दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बुरा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है, तो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी चाहिए बिना स्किप करे हुए। ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है। दोस्तों, आज हम केस स्टडी लेके आए हैं हुंडई मोटर कंपनी की, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। दोस्तों, मारुति सुजुकी के बाद हुंडई इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है। एक बाहर की कंपनी इंडिया में आकर इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर पाई, एक पॉइंट है इस वीडियो का, हाइलाइटेड पॉइंट। और इसके अलावा एक गरीब बच्चा इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ा करने में कैसे कामयाब हो पाया। तो दोस्तों, वीडियो में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के एंड में फिर हम लोग तफसीली बातचीत करेंगे। हुंडई मारुति सुजुकी के बाद भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली इस कंपनी को पता है किसने शुरू किया था? इस साउथ कोरियन लड़के ने। नाम है चुंग जोयंग। बचपन में सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए 17-17 घंटों तक खेतों में काम किया। अमीर बनने का सपना लिए कई बार घर छोड़कर भागा। यहाँ तक कि कई बार तो इसके बिजनेसेस आग लगने, बाढ़ आने और युद्ध की वजह से खत्म तक हो गए। लेकिन फिर भी हार ना मानते हुए इसने दुनिया के सबसे बड़े कार कंपनियों में से एक हुंडई को बनाया। सो अगर आपको भी लगता है कि बुरा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी लाइफ बदलने वाला है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1915 में, जब एक गरीब कोरियन फैमिली में चंग जो युंग का जन्म हुआ था। उनके पिता एक किसान थे, जो अपने 7 बच्चों का पेट पालने के लिए पूरे दिन खेतों में काम किया करते थे। यूं तो चंग जो युंग का सपना पढ़ लिख कर एक टीचर बनने का था, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार तो भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। ऐसे में अच्छी एजुकेशन लेना उनके लिए एक खूबसूरत सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। खराब फाइनेंशियल कंडीशन के चलते चंग अपने पिता के साथ दिन भर खेतों में ही काम करते हुए बिताते। इसके अलावा कभी वो जानवरों को चराने का काम करते, तो कभी लकड़ियां काटकर उसे शहर बेचने लेकर जाते। लेकिन जब वो सिटी लाइफ को देखते थे, तब उन्हें बहुत हैरानी होती थी। साफ सुथरे लोग, खूबसूरत कपड़े, अच्छे रोग और खाने की तो कोई कमी ही नहीं। ये सब देखकर उनके मन में भी ख्याल आता था कि अगर वो भी शहर चले जाएं तो एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि अपने 16 साल के बच्चे को उनके माता पिता अकेले जाने ही नहीं देंगे। उसी दौरान चंग जू यंग के हाथ में एक न्यूज़पेपर लगा, जिसमें खबर छपी थी कि पास के शहर में कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके लिए वर्कर्स की जरूरत है। और जैसा कि उन्हें पता ही था कि उनके मम्मी पापा तो उन्हें जाने नहीं देंगे, इसीलिए वो बिना किसी को बताए 1932 में घर से भाग गए। इसके बाद से वो नोन शहर पहुंचे, जहां उन्हें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मजदूरी के लिए रख लिया गया। अब यहां काम जितना मुश्किल था, मिलने वाले पैसे उतने ही कम। इसके बावजूद चंग जू यंग ये सोचकर सेटिस्फाइड थे कि पहली बार वो अपने दम पर कुछ कर रहे हैं। हालांकि उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही, क्योंकि घर छोड़ने के बाद से ही उनके माता पिता इन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। और फिर आखिरकार 2 महीनों के बाद चंग उन्हें मिल ही गए। पिता ने उन्हें डांट लगाई, समझाया और जैसे तैसे मनाकर अपने साथ घर लेकर आए। अब चंग घर आकर फिर से वही खेतों में काम, जानवरों को चराना और लकड़ियां काटने जैसे पुराने कामों में लग गए। लेकिन इस सब में उनका दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हर वक्त दिमाग कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहता था। वहाँ बिताए गए वो पलों को याद करते थे, जिसके चलते धीरे धीरे उनके मन में कंस्ट्रक्शन और इस जैसे प्रोजेक्ट से उन्हें लगाव होने लगा। अब चंग जू यंग के घर वापस आने से फैमिली तो बहुत खुश थी, लेकिन चंग को अपने पुराने रूटीन में घुटन सी महसूस होने लगी, मानो जैसे शहर उनका इंतजार कर रही हो। इसी के चलते वो 2 बार और घर छोड़कर भागे। लेकिन फिर से कुछ दिनों तक शहर में काम करने के बाद उनके पिता उन्हें ढूंढ लिया करते थे, और फिर न चाहते हुए भी चंग को घर वापस आना पड़ता था। हालांकि इसके बाद उन्होंने फिर से एक बार हिम्मत जुटाई और 18 साल की उम्र में चौथी बार घर छोड़कर सियोल चले गए, जो कि फिलहाल साउथ कोरिया की राजधानी है। यहाँ पहले तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मजदूर का काम किया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्हें एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई, जहाँ पर चंग एज ए असिस्टेंट काम करने लगे। इस तरह यहाँ काम करते करते कुछ ही दिनों में उन्हें बोखयुंग राइस स्टोर नाम की एक चावल की दुकान में अच्छी सैलरी पर डिलीवरी बॉय की जॉब मिल गई, और यहाँ से उनके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हुआ। चंग जू यंग अपने काम को खूब एंजॉय कर रहे थे और अपनी पूरी लगन व ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, जिसे देखकर स्टोर के मालिक उनसे खूब इम्प्रेस हुए। और फिर सिर्फ 6 महीनों में ही उन्हें डिलीवरी बॉय से शॉप का मैनेजर बना दिया गया। फिर आया 1937, जब शॉप के मालिक बहुत बीमार पड़ गए और उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो आगे के कामकाज को संभाल सके। ऐसे में उन्होंने अपना ये राइस स्टोर चंग के हाथों में सौंप दिया। इस तरह से सिर्फ 22 साल की उम्र में चंग अपनी मेहनत के दम पर राइस स्टोर के एम्प्लॉय से उसके मालिक बन गए थे, और फिर उन्होंने इस स्टोर का नाम बदलकर क्योंगिल राइस स्टोर रख दिया।
इसके बाद से उन्होंने लो प्राइस, हाई क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी के दम पर एक बहुत ही लॉयल कस्टमर बेस तैयार कर लिया। लेकिन जब उनका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें सब छोड़कर घर लौटने पर मजबूर कर दिया। असल में उस समय कोरिया पर जापान का कब्जा था और जापान वर्ल्ड वॉर टू में कूद पड़ा था। ऐसे में जापानीज गवर्नमेंट चाहती थी कि वॉर के दौरान उनके सैनिकों को समय समय पर जरूरत के मुताबिक चावल मिलता रहे। इसके लिए उन्होंने वहाँ की सारी राइस शॉप्स को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें कि चंगजू यंग का शॉप भी शामिल था। इसके बाद से चंग एक साल तक अपने गांव में रहे, लेकिन फिर बाद में हिम्मत जुटाई और 1940 में 3000 वोन का लोन लेकर एडो सर्विस नाम का एक गैराज खोला। लेकिन बदकिस्मती से अभी एक महीना ही गुजरा था कि उसमें भयंकर आग लग गई और उनका ये बिजनेस भी बर्बाद हो गया। अब चंग के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लोन को चुकाना और कस्टमर्स को जले हुए व्हीकल्स का मुआवजा देना। काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने वापस से 3500 वोन का लोन लिया और पहले से भी ज्यादा बड़ा गैराज ओपन किया। चंग बहुत ज्यादा मेहनती थे, जिसके चलते इनका काम कस्टमर्स को पसंद आने लगा और सिर्फ 3 सालों में ही उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया कि अपने सारे लोन्स रीपे कर दिए और साथ ही घर वालों को मनाकर अपने साथ शहर लेकर आए। इस समय तक इनका कारोबार खूब चल रहा था और इनके एम्प्लॉयज की संख्या 1 से शुरू होकर 80 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उनका ये सुनहरा दौर ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एक्चुअली जापानीज गवर्नमेंट ने वॉर में यूज होने वाले इक्विपमेंट बनाने के लिए उनके गैराज को एक स्टील प्लांट के साथ में मर्ज कर दिया। यानी कि एक बार फिर से चंग वहीं आकर खड़े हुए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। एक तरफ तो गैराज छिन जाने का दुख, ऊपर से सियोल में बढ़ता तनाव, इसे देखते हुए वो अपनी फैमिली के साथ गांव वापस चले आए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि चंग ने 50,000 वोन की सेविंग कर रखी थी, इसीलिए उनके अंदर थोड़ी हिम्मत थी कि वो वापस से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। बस इंतजार था तो वॉर खत्म होने का। साल 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ और कोरिया जापान के कब्जे से आजाद हो गया। इसी साल चंग ने सियोल में वापसी की और एक बार फिर से अपना गैराज स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया हुंडई मोटर सर्विस। जापान को वर्ल्ड वॉर टू में हराने के बाद साउथ कोरिया में यूएस का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से चंग को यूएस आर्मी के ट्रक रिपेयरिंग का काम मिल गया। इसके कुछ समय के बाद उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिका अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स बना रहा है, जिसे देखकर उनका कंस्ट्रक्शन का वो पैशन दोबारा से जग गया जो कि बचपन में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। इसी के चलते उन्होंने साल 1947 में हुंडई सिविल इंडस्ट्री की शुरुआत की और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। अगले 3 सालों में ही उन्होंने अपने बिजनेस को काफी एडवांस कर लिया और अब तो उन्हें कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे थे। लेकिन दोस्तों, जो चंग का स्ट्रगल है ना, वो यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जून 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर शुरू हो गया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर भारी पड़ने लगा और उसकी मिलिट्री फोर्सेस ने सियोल को कब्जे में लेने के लिए उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। ऐसे में वहाँ के लोगों में दहशत फैल गई और सब शहर छोड़कर भागने लगे। इसमें चंग भी शामिल थे, जो कि सारा कारोबार छोड़कर कुछ सेविंग्स के साथ जान बचाने के लिए बुसन शहर चले गए। इस जंग में यूएस मिलिट्री फोर्स ने साउथ कोरिया का भरपूर साथ दिया और वॉर के दौरान ही चंग ने नोटिस किया कि मिलिट्री फोर्सेस को बड़ी संख्या में वेयर हाउस, आर्मी हेडक्वार्टर और टेंट की जरूरत है। यहाँ चंग को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई और वो एक छोटा सा ग्रुप बनाकर इन प्रोजेक्ट्स में भी काम करने लगे। चंग ने हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया। कई सारे प्रोजेक्ट्स में तो उन्हें लॉस भी हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समय पर काम पूरा करके यूएस ऑफिशियल्स का भरोसा जीत लिया। अब 1952 में जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उस वक्त तक अमेरिकन से चंग की प्रोफेशनल रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, जिसके चलते उन्हें बाद में भी उनसे प्रोजेक्ट मिलते रहे। अब इस बार वॉर में साउथ कोरिया में बहुत तबाही फैली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ गई थी, जिसके बाद से गवर्नमेंट उसे दोबारा से रीबिल्ड करना चाहती थी। और दोस्तों, साउथ कोरिया के रीडेवलपमेंट में हुंडई सिविल इंडस्ट्री का बहुत मेजर रोल रहा और उन्हें कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, जिनमें की कई सारे एक्सप्रेसवेज, कोरियन न्यूक्लियर प्लांट और डैम शामिल थे। इसके बाद से 1960s में कोरियन गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई जिसने की हुंडई को कार रिपेयरिंग से एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने में बहुत मदद की। असल में गवर्नमेंट ने वहाँ की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए ये नियम बना दिया था कि कोई भी फॉरेन ऑटोमोटिव कंपनी तभी साउथ कोरिया में बिजनेस कर सकती है जब वो किसी लोकल कंपनी के साथ में टाई अप करे। इस रूल ने हुंडई के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी और चंग ने इसको मिस न करते हुए 1967 में हुंडई मोटर कंपनी की शुरुआत की। इसके एक साल बाद यानी 1968 में हुंडई ने फोर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और उल्सान शहर में 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा असेंबली प्लांट बनाकर तैयार कर दिया, जो कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल प्लांट है। इसके एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.6 मिलियन यूनिट है और इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए 75,000 हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज काम किया करते हैं।
खैर, फोर्ड के साथ ज्वाइंट वेंचर में हुंडई ने उसकी फेमस कार फोर्ड कॉर्टिना के तर्ज पर हुंडई कॉर्टिना को लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों, फोर्ड क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी है जिसके कॉर्टिना भी वहीं के सड़कों के लिए डिजाइन की गई थी, वहीं साउथ कोरिया की सड़कें वॉर में मिलने वाले गड्ढों से अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाई थी। ऐसे में हुंडई कॉर्टिना कंपनी के लिए बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। कंपनी को इससे काफी नुकसान हुआ और लोग रिफंड की डिमांड करने लगे। लेकिन इससे पहले कि चंग इन सभी प्रॉब्लम से निपट पाते, 1969 में एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसमें कि उल्सान का पूरा असेंबली प्लांट ही डूब गया। नई तैयार की गई कार्स में भी पानी भर गया और कंपनी को बंद करने तक की नौबत आ गई। लेकिन दोस्तों, चंग ने अपनी जिंदगी में इतना फेलियर देखा था कि अब मानो इन सब की उन्हें आदत सी हो गई थी। उन्होंने फिर से प्लांट को शुरू किया और हर तरह की प्रॉब्लम्स पर काम करके दोबारा से हुंडई कॉर्टिना को मार्केट में उतारा, जो कि इस बार काफी सक्सेसफुल हुई। हालांकि 1974 में एक और भी प्रॉब्लम थी जो कि चंग का इंतजार कर रही थी। असल में हुंडई का अपने नाम से कार को लॉन्च करना फोर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि साउथ कोरिया में फोर्ड को पहचान नहीं मिल पा रही थी। इसके चलते दोनों कंपनियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और 1974 में फोर्ड ने हुंडई के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। अब अचानक से फोर्ड का जाना हुंडई के लिए मानो सब कुछ बर्बाद कर देने वाला था, क्योंकि उस समय तक हुंडई के पास कार मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं और इसके लिए वो अभी तक फोर्ड पर ही रिलाय करते थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म हो जाने के बाद चंग बहुत ही डिस्पेरेटली किसी नए पार्टनर की तलाश करने लगे जो कि उनके साथ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को भी शेयर कर सके। इसके लिए उन्होंने उस समय के बड़े प्लेयर्स फॉक्सवैगन और जनरल मोटर्स के साथ डील करने का प्रपोजल रखा, लेकिन इन दोनों कंपनियों ने ही इसे ठुकरा दिया था। और फिर इसके बाद से चंग ने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ भी डील करने की ट्राई की और ये डील फाइनल भी हो गई, जिसमें मित्सुबिशी मोटर्स ने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को हुंडई के साथ शेयर करने का एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद से हुंडई अपना पूरा फोकस खुद की कार डेवलप करने में लगाने लगा, जिसके लिए उसने ब्रिटिश लीलैंड के अंडर आने वाली कंपनी ऑस्टन मॉरिस के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज टर्नबुल को हायर किया। और दोस्तों, जॉर्ज टर्नबुल ने भी अपनी लीडरशिप में इस प्रोजेक्ट के लिए 5 और भी इंजीनियर्स को हायर किया, जिसमें कि कार की जो बॉडी होती है उसके डिजाइन एक्सपर्ट कैथन बार्नेट, कार इंजीनियर जॉन सिम्पसन और एडवर्ड चैपमैन, BRM यानी कि ब्रिटिश रेसिंग मोटर्स के फॉर्मर चेसिस इंजीनियर जॉन क्रेस्टवेट और चीफ डेवलपमेंट इंजीनियर पीटर स्टेलर जैसे हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल शामिल थे। अब दोस्तों, उसी दौरान साउथ कोरियन सरकार ने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक ऐसा व्हीकल बनाने के लिए कहा जो कि पूरी तरह से मेड इन कोरिया हो, साथ ही ये इतना अफोर्डेबल हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सके। इसी को माइंड में रखते हुए कंपनी ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई के इंजीनियर्स गवर्नमेंट की सारी बातों को ध्यान में रखकर कार मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। फाइनली 1975 में हुंडई ने अपनी पहली सेल्फ मेड कार को लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया था पॉनी। ये अफोर्डेबल होने के साथ ही हाईली परफॉर्मेंस और बेहतरीन डिजाइन वाली कार थी। पॉनी साउथ कोरिया में इतनी सफल हुई कि कुछ ही समय में इसने वहाँ की कार मार्केट का 60% हिस्सा कैप्चर करके हुंडई को वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी बना दिया। इस सफलता के बाद से चंग ने 300,000 कार मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला लिया, जिसके बाद से हर कोई इसे एक बेवकूफी भरा डिसीजन कहने लगा, क्योंकि साउथ कोरिया की टोटल मार्केट डिमांड सिर्फ 30,000 कार्स की थी। ऐसे में 300,000 कार्स का मैन्युफैक्चर करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन दोस्तों, चंग तो यहाँ पर कुछ बड़ा ही सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी नई कार्स को साउथ कोरिया से निकालकर फॉरेन मार्केट में भी लॉन्च कर दिया। 1982 में हुंडई ब्रिटिश मार्केट में एंटर हुआ, जहां अपने पहले ही साल में उसने 2,993 कार्स बेच दी। फिर आगे चलकर 1984 में इसने कैनेडियन मार्केट में पॉनी 2 को लॉन्च किया, जो कि अपनी अफोर्डेबिलिटी के चलते खूब फेमस हुई और कंपनी वहां भी अपनी स्ट्रांग प्रेजेंस डेवलप करने में कामयाब हो गई। हालांकि हुंडई अब तक तो कई सारे देशों में अपनी पहचान बना चुका था, लेकिन अभी तक अमेरिका जैसी मेजर मार्केट में एंटर करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया था। और दोस्तों, इसका मेन रीजन था एमिशन नॉर्म्स, जिस पर हुंडई की कार परफेक्टली फिट नहीं हो पा रही थी। कंपनी ने अमेरिकन मार्केट में एंटर करने के लिए एमिशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक नई कार मैन्युफैक्चर की, जिसका नाम हुंडई एक्सल रखा गया। उस दौरान हुंडई ने रियलाइज किया था कि US के अंदर सेकेंड हैंड कार की मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ऐसे में कंपनी ने वहाँ इन्हीं कस्टमर्स को ही टारगेट किया और 1986 में सेकेंड हैंड कार के ही प्राइस पर हुंडई एक्सल को 5 साल की वारंटी के साथ अमेरिकन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। अपने इस स्ट्रैटेजी से कंपनी टारगेटेड कस्टमर्स को लुभाने में खूब कामयाब हुई और अपने पहले ही साल में इसने 170,000 कार्स बेचकर बाकी कार कंपनियों को हैरानी में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, इस आंकड़े में अगले साल और भी ज्यादा उछाल देखने को मिला, क्योंकि 1987 में हुंडई की वहां पर 260,000 कार सेल हुई थी, जिसके चलते इन दोनों सालों में एक्सल अमेरिका की टॉप सेलिंग कार रही थी। अब दोस्तों, एक्सल कार ने हुंडई को उसकी प्रेजेंस स्ट्रांग बनाने और ग्लोबल लेवल पर एक मेजर कार कंपनी के रूप में पहचान दिलाने में हेल्प
दोस्तों की, लेकिन कार की अफोर्डेबिलिटी और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ समय बाद इसे एक चीप कोरियन ब्रांड कहा जाने लगा। अब दोस्तों इस इमेज से कंपनी को बाहर निकालने के लिए इंजीनियर्स ने खूब एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे R&D सेंटर्स खोले गए और काफी रिसर्च के बाद 1990s के दौरान हुंडई सोनाटा और हुंडई एक्सेंट जैसे कई सारे फ्यूचर लोडेड कार मार्केट में उतारी गई और दोस्तों ये सभी कार बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे थे, साथ ही इससे वर्ल्ड वाइड कंपनी की रेपुटेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई। अब दोस्तों अगर आज की बात करें तो हुंडई दुनिया के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में शामिल है, साथ ही ये टोयोटा और फॉक्सवैगन के बाद प्रोडक्शन के मामले में दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कार मेकर कंपनी है जिसका बिजनेस 193 कंट्रीज में फैला हुआ है। लास्ट ईयर हुंडई ने वर्ल्ड वाइड 6.845 मिलियन यूनिट सेल की थी जिसमें से 8,07,067 यूनिट तो सिर्फ इंडिया में बेचकर ही कंपनी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। फिलहाल ये इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी कार मेकर है जो कि महिंद्रा और टाटा जैसे स्वदेशी कंपनियों को भारी टक्कर देती है। तो दोस्तों इस तरह से चंग जू यंग की हार न मानने वाली जिद ने हुंडई को न सिर्फ दुनिया के टॉप ब्रांड्स में शामिल कराया बल्कि साउथ कोरिया के डेवलपमेंट और इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो दोस्तों हुंडई के मालिक की हार ना मानने वाली जिद ने, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, हुंडई को यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचाया, इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश करी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आई होगी। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए, क्योंकि हर अगली वीडियो पिछली वीडियो से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो जब अपलोड हो तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना, अपनों का, अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।